हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज पुरानी साड़ियां चुन्नियों से हम देखिए ये न्यू डिजाइन का डोरमेट बनाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 22 फंदे का बनाया है और अभी हम देखिए आपको ये 12 फंदे में सिखाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 कलर से इसमें 4-4 फंदे डाल लिए। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हम इस ग्रीन कलर से बनाएंगे। पहले ये 4 फंदे हैं, इनमें से हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए 3 फंदे उल्टे बुन लिए, उसके बाद यहां से एक फंदा हम ये जो ग्रीन वाला है उसको हम रेड बनाएंगे और रेड के हम 3 फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन। रेड के 3 फंदे बना लिए, एक ग्रीन में से लिया था तो ये 3 ये और एक ये मिला के 4 हो गए। अब देखिए एक इसका छोड़ दिया इधर। अब उसके बाद इस फिरोजी कलर से हम बनाएंगे एक एक रेड वाला, दो, तीन और एक ये 4। एक फंदा लास्ट का हम छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे इसको। अब देखिए ये फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, जैसे जो मैंने फंदे बनाए हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए यहीं से पलट देंगे धागा। अब रेड वाला आगे लेके आएंगे। अब रेड के जो फंदे हैं 4 उनको हम बुन लेंगे उल्टा। अब देखिए इसको पलट लेंगे और ग्रीन के 3 फंदे हैं तो 3 ग्रीन के बुन लेंगे। अब देखिए इनको फिर से दूसरी रो पे देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा हम और बुनेंगे। देखिए मेरे 2 फंदे इधर हो गए, एक फंदा बचा हुआ है, इसको हम रेड बुनेंगे। हर रो में हमें यही करना है, इधर से एक एक फंदा लेना है, पहले ग्रीन से लेना फिर रेड से। और जब हम इस फिरोजी कलर से बनाएंगे तो इधर से एक एक फंदा छोड़ते हुए बनाएंगे। अब देखिए ये जो रेड फंदा है इसको हम इस फिरोजी कलर से बनाएंगे। पहले एक फंदा छोड़ दिया था, अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा फंदा और छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे इसको और उसी तरह से हम इसको बनाते हुए। देखिए इसको फिर से पलट देंगे हम और रेड वाला धागा इसका आगे लेके आएंगे। देखिए रेड वाला आगे लेके आएंगे, रेड से हम रेड वाले फंदे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रेड को पीछे करेंगे और ग्रीन वाला आगे लाएंगे, ये इससे हम 2 फंदे बुन लेंगे। अब देखिए यहीं से पलट के ग्रीन का एक फंदा बुनेंगे और देखिए अब इस रेड से हम ये ग्रीन जो एक एक और है इसको हम ऐसे रेड बुन लेंगे। अब देखिए जो रेड फंदा एक और है, रेड फंदा जो लास्ट का है उसको हम इससे बुनेंगे। देखिए पहले एक छोड़ा था फिर एक छोड़ दिया, अब की बार में एक फिर छोड़ दिया, यहीं से पलट लेंगे इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले मेरा ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा और जब ग्रीन खत्म होगा तो हम इससे एक एक फंदा इधर से एक फंदा छोड़ेंगे और ये यहां से इस पर्पल फिरोजी कलर से इसको हम जोड़ते एक एक फंदा इसमें से रेड वाले में से लेते हुए चलेंगे यहां तक, जब ये 2 फंदे रह जाएंगे
फ्रोजी कलर के, तब हम आगे आपको बताएंगे। इधर से हमें एक एक फंदा छोड़ना है, और इधर से रेड वाला, अब ग्रीन इसी रो में खत्म हो जाएगा कलर ये फंदे, और उसके बाद रेड में से हम एक एक फंदा फ्रोजी करेंगे और इधर से एक एक फंदा फ्रोजी का छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दो फंदे बचे हुए हैं, और देखिए पहले मैंने यहाँ से शुरू किया था और ग्रीन के फंदे छूट गए, अब रेड के भी छूट गए। अब देखिए यहाँ पे इस फ्रोजी कलर से मेरे दो फंदे बचे हुए हैं, इनको हम बुनेंगे। एक बार हम यहाँ से एक फंदा बुन लेंगे और पलट के एक फंदा इसका ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे फंदे छूट गए, और देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ से चार फंदे फ्रोजी कलर के डाले थे और चार रेड कलर के डाले थे और चार ग्रीन के डाले थे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये सारे फंदे एक ही कलर के हो गए। तो सबसे पहले मेरा इसमें नीचे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन है, फिर रेड है, फिर फ्रोजी है। तो हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। यहाँ से देखिए पहला फंदा इसका, देखिए यहाँ से हम चार फंदे ग्रीन के बनाएंगे। जब मेरे यहाँ से सारे फंदे छोड़ते हुए इधर से जब एक फंदा बचा लास्ट का ये फ्रोजी कलर से, अब हम यहीं से दूसरी कली इसकी स्टार्ट कर लेंगे। इसको देखिए फ्रेंड्स, इसी में लपेट देंगे। देखिए चार फंदे हो गए। अब उसके बाद हम चार फंदे रेड कलर से बुनेंगे इससे। देखिए और ये मेरे फ्रोजी कलर के फंदे तो हैं ही, ये धागा काट लेंगे, इसको यहां से जोड़ेंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, चार फंदे हो गए और यहां से एक फंदा छोड़ते आएंगे और देखिए इधर से बुनेंगे। जैसे मैंने यहां से ये ग्रीन कलर इसमें रेड में एक एक जोड़ा और रेड मैंने फ्रोजी में जोड़ के और इधर से एक एक फंदा कम किया था, एक एक छोड़ते हुए, हर रो में एक एक फंदा छोड़ते हुए मैंने यहाँ तक जैसे बनाया, उसी तरह जैसे मैंने ये कली बनाई उसी तरह आप इसकी सारी कली बनाए, उससे पूरा डोरमेट आपका बन के तैयार हो जाएगा। और ये छह कली का डोरमेट है, मेरी एक कली बन गई। इसमें आप पांच कली जब ठीक इसी तरह से बनाएंगे, देखिए जैसे मैंने शुरुआत यहाँ से किया था उसी तरह से ये फंदे डले हुए हैं इसमें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।